हेलो माय यार मी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर बच्चों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ये सेशन लेकर के आया हूँ जिसमें बेटा हम क्लास ट्वेल्थ की मैथ्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर आव्यू के इम्पॉर्टेंट और आसान टॉपिक के बारे में बात करेंगे टॉपिक का नाम है बेटा आव्यू का परिवर्त वे इनके गुणधर्म बच्चों आज जब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो आप खुद से ये बोलने लग जाओगे सर ये कितना आसान टॉपिक है और यदि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले ठीक है और आज आप लोग देख लेना बल्ली से बेटा ओके तो आज की क्लास में बेटा हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड इसके अलावा आज की क्लास के स्टार्टिंग में बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन आव्यो के गुणन के भी करवाऊंगा। देखिए पिछली क्लास में हमने आव्यो पर संक्रियाओं के बारे में बात की जिसमें हमने आव्यो का योग करना सीखा उनका अंतर ज्ञात करना सीखा आव्यो का किसी अदिश राशि से गुणा करना सीखा और इसके अलावा हमने आव्यो के गुणन के बारे में बात की और इससे रिलेटेड बेटा हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए अब आज बेटा मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवाने वाला हूं आवयु के गुणन पर आधारित देन उसके बाद हम आवयु के परिवर्त के बारे में बात करेंगे इनके गुणधर्म देखेंगे तथा इसके अलावा हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये हम बच्चों आज की क्लास में करने वाले हैं ओके okay, बेटा चलिए अब एक बार जल्दी से जिन बच्चों ने आज की क्लास को ज्वाइन कर लिया है सारे बच्चे जल्दी से थम्स अप करेंगे सो दैट पता लग सके कि, कि किस किस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है एक बार जल्दी से सही बच्चे थम्स अप करिए थम्स अप एवरी वन अप हेलो ऋतिका हेलो सिंटू कुमार हेलो प्राची गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन सबसे पहले तो सभी बच्चों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देखिए बेटा आप सब लोगों को मालूम होगा कि भीमराव अंबेडकर जी कौन थे वे वही व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा था ठीक है बेटा तो आज उनकी जयंती पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया ओके बेटा चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको पिछली क्लासेज बताया कि ये क्लास ट्वेल्थ का बेटा एक इंपॉर्टेंट और आसान चैप्टर है बेटा ये जो चैप्टर है ना आव्यू ये इजी चैप्टर्स की श्रेणी में आता है क्लास ट्वेल्थ में आपके टोटल तेरह चैप्टर हैं उन तेरह चैप्टर में बेटा चार पांच चैप्टर बहुत आसान है और उसमें से एक चैप्टर आपका ये आव्यू है बिकॉज इस चैप्टर में आपको काफ़ी ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनमें आप आराम से समझ करके नंबर लेकर के आ सकते हो बस इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक क्लास को अटेंड करना है

वय की समानता के बारे में बात कर ली कि कब दो आवयु समान कहे जाते हैं इसके अलावा हमने आवयु पर संक्रह देख ली जिसमें बेटा हमने आवयु का योग करना एक अधिश से गुणा करना अंतर ज्ञात करना और गुणा करना सीख लिया अब हम बात कर रहे हैं आवयु के परिवर्त के बारे में फिर इसके बाद बच्चों हम समित तथा विषम सम्मित, सम्मित आवयु के बारे में बात करेंगे इसके, इसके बाद हम आवयु पर कुछ प्रारंभिक संक्रह देखेंगे जिससे आवयु एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगा जिसे हम आवयु रूपांतरण भी कहते हैं इसके बाद हम व्युतक्रम ये आवयु के बारे में बात करेंगे एंड देन इसके बाद हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आवयु का व्युत्क्रम ज्ञात करना सीखेंगे ठीक है तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं अब बेटा आवयु के गुड़तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ठीक है बच्चों आवयु के गुड़ तक हम पिछली क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं बच्चों ऐप पर क्लास चल रही है ऐप पर बेटा क्लास चल रही है ऐप पर बेटा क्लास चल रही है ओके बेटा पिछली क्लास तक हमने आवयू के गुणन के बारे में बात कर ली अब आज की क्लास में मैं आपको इसके कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा देन उसके बाद बेटा हम आवयू के परिवर्त के बारे में बात करेंगे ठीक है चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना उससे पहले देखो आवयु पर संक्रियाओं के अंतर्गत बेटा हमने आवयु का योग करना सीखा हमने अंतर ज्ञात करना सीखा हमने अधिस राशि से गुणा करना सीखा अब बात करेंगे आवयु के गुणा के बारे में इसके बारे में भी हम काफी बातें कर चुके हैं काफी क्वेश्चन बेटा देख चुके हैं चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पर देखो एक हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है पर बेटा हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस अब देखिए सिद्ध करेंगे बच्चों ये एक क्वेश्चन है काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे सर ऐप पर ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है हो सकता है बेटा ऐप पर थोड़ा नेटवर्क इशू हो आपकी साइड से तो एक बार ऐसे करिए उसको बैक करके देन दोबारा से क्लास स्टार्ट करिए तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे लग जाएगा ठीक है हाँ आप क्लियर दिख रहा है ना शिवम हाँ तो देखो एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के तो यहां पर बच्चों हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबर है आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 एक ये है बेटा एफ ऑफ एक्स ठीक है एंड देखो एफ ऑफ वाई क्या है एफ ऑफ वाई बराबर है बेटा ये होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई एक्स की जगह पर बस वाई रखना है तो कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो यहां पर होगा साइन वाई यहां पर कॉस वाई यहां पर जीरो यहां जीरो यहां जीरो यहां एक ये बेटा एफ ऑफ वाई बन जाएगा ठीक है अब देखो बेटा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई क्या होगा ओके तो एफ ऑफ एक्स क्या है एफ ऑफ एक्स से बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो ज़ीरो ज़ीरो एक ये है एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई ये बेटा कॉस वाई माइनस साइन वाई ज़ीरो साइन वाई कॉस वाई जीरो ज़ीरो ज़ीरो एक बेटा एफ ऑफ वाई चलिए बच्चों अब हम इन दोनों आव्यो का यहां पर गुणा करते हैं तो देखिए बेटा गुणा होकर क्या मिलेगा ठीक है तो कैसे गुणा करेंगे पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो कॉस एक्स का गुणा होगा बेटा कॉस वाई से ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई ठीक है इसके बाद माइनस साइन एक्स का गुणा होगा साइन वाई से तो ये होगा बेटा माइनस साइन एक्स साइन वाई एंड इसके बाद जीरो का गुणा जीरो से होगा तो जीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा ठीक है ये तो हमने पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ किया अब बेटा पहली पंक्ति का गुणा हम दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो कॉस एक्स का गुणा होगा माइनस साइन वाई से तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई फिर माइनस साइन एक्स का कॉस वाई से होगा तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा इसके बाद जीरो जीरो से होगा तो बेटा जीरो हो जाएगा ओके okay. इसके बाद पहली पंक्ति का गुणाम तीसरे स्तंभ से करेंगे तो कॉस एक्स का गुणा जीरो से होगा जीरो माइनस साइनस का गुणा जीरो से होता है जीरो जीरो का गुणा एक से होता जीरो तो यहां पर हो जाएगा बेटा जीरो ठीक है इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई जीरो गुणा जीरो से किया तो जीरो दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई हो जाएगा दूसरी पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो जीरो 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 हो जाएगा फिर तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे जीरो दूसरे स्तंभ से करेंगे जीरो तीसरे स्तंभ से करेंगे तो यहां पर बेटा एक हो जाएगा ठीक है अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है पता बेटा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई ये किसका फॉर्मूला है आपने बेटा ग्यारहवीं क्लास में त्रिकोणीय फलन के अंतर्गत फॉर्मूले पढ़े होंगे इसके अलावा सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको बोला था कि उन सभी फॉर्मूलों को रिवाइज कर लीजिएगा तो बताओ सारे बच्चे ये किसका फॉर्मूला है सर मेरे टेंथ में सेवेंटी फाइव नंबर हैं तो सर ट्वेल्थ में हंड्रेड आ सकते हैं बिल्कुल आ सकते हैं बेटा बिल्कुल आ सकते हैं बस आपको मेहनत करनी है कठिन मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत करने वालों की बेटा कभी भी हार नहीं होती है ओके शिवम बेटा एक बार बैक करके दोबारा क्लास स्टार्ट कर लो हो सकता है नेटवर्क इशू आ रहा हो किसका फॉर्मूला होता है यार कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई संजय यार मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी बेटा रेखा बिल्कुल सही कि ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का तो यहां से बेटा ये बनेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई ठीक है यहां पर बच्चों माइनस कॉमन निकालेंगे तो बेटा माइनस कॉमन निकाला ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों मुझे यह बताओ आप सभी कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ये किसका फॉर्मूला होता है सर आप वैसे हमें परेशान कर रहे हो हमें कोई फॉर्मूले वार्मूले याद नहीं है चुपचाप से क्वेश्चन करवा दो है भाई ऐसे चल रहा है ना आप सबके दिमाग में कि दीपक सर तो हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं अरे बेटा अभी परेशान नहीं होगे ना तो आगे चलकर बहुत दिक्कतें होंगी आगे की दिक्कतों से बचना है तो अभी परेशान हो लो थोड़ा थोड़ा हेलो रिमजेम तो बता बेटा ये किसका फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बताइए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ये है बेटा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इसके बाद यहां पर जीरो अब यहां पर है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का एंड यहां पर बेटा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई तो योग्य कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई ठीक है यहां पर जीरो यहां पर जीरो यहां पर जीरो यहां पर एक अब ध्यान से देखो बेटा इसमें और इसमें किस बात का अंतर है किस बात का अंतर है केवल एक चीज का यहां पर x है वहां पर x की जगह पर x प्लस वाई है तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ x प्लस वाई ठीक है ये हमने क्या निकाला था f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई क्या आ गया ये f ऑफ x प्लस वाई और देखिए इस प्यारे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन हमें यही सिद्ध करना था देख लो हमें इस क्वेश्चन में बेटा यही सिद्ध करना था और ये बच्चों हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया ठीक है तो इस प्रकार से आपको बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान क्वेश्चन था ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है यहां पर बेटा मुझे एक आव्यू ए दे रखा है आई दे रखा है एवं कहा गया कि ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस दो आई के तो के का मान ज्ञात करना है ठीक है देखो कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर अब ए स्क्वायर क्या होगा ए गुणा ए आवयू क्या बेटा हमारे पास तीन माइनस दो चार माइनस दो इसका गुणा बेटा हम ए आवयू के साथ ही करेंगे यानी तीन माइनस दो चार माइनस दो के साथ ठीक है चलिए अब हम इन दोनों आवयों का गुणा करते हैं तो गुणा होकर देखो बेटा क्या बनेगा हमारे पास में पहली पंक्ति का गुणा बेटा पहले स्तंभ से करेंगे तो तीन तिया नौ नौ में से आठ गए एक पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो माइनस छ प्लस के चार तो माइनस का दो हो जाएगा दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे चार तिया बारह बारह में से आठ जाएंगे चार बचेगा दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के आठ माइनस माइनस प्लस के चार तो ये माइनस का चार बन जाएगा ठीक है बेटा ये हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा ठीक है अब ये बराबर दिया गया के ए माइनस दो आई के तो देखो के ए माइनस दो आई क्या होगा तो के का गुणा करना है ए आवयु के साथ और ए आवयु दिया गया तीन माइनस दो चार माइनस दो माइनस दो आई है बेटा एक जीरो जीरो एक ठीक है आगे सॉल्व करते हैं पहले अध्यक्ष राशि का गुणा अंदर कर लेते हैं तो क्या तीन के माइनस दो के, के का गुणा प्रत्येक से होगा चार के माइनस दो के फिर इसके बाद माइनस दो का अंदर गुणा कर लेते हैं तो योग्य माइनस दो जीरो जीरो माइनस दो इन दोनों आवयु को आपस में जोड़ लेते हैं तो ये हो गया तीन के माइनस दो माइनस दो के चार के एंड माइनस दो के माइनस दो हो जाएगा ठीक है अब बेटा के ए माइनस दो आई ये किसके बराबर दिया गया है ए स्क्वायर के तो इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर है के ए माइनस दो आई के अब ए स्क्वायर हमारे पास आया था एक माइनस दो चार माइनस चार ठीक है ये बेटा बराबर हो जाएगा तीन के माइनस दो माइनस दो के चार के एंड माइनस दो के माइनस दो ठीक है तो यहां से तुलना करते हैं तुलना करने पर देखो क्या होगा माइनस के दो के बराबर माइनस दो माइनस से माइनस गया के का मान आ जाएगा बेटा एक के बराबर अब के का मान एक बच्चों यहाँ पे रख के देख लो तो तीन में से दो गया एक यहाँ पर माइनस दो यहाँ चार यहाँ माइनस के चार हो जाएंगे दोनों अभी बराबर आ गए तो के का मान क्या आ जाएगा बेटा एक आ जाएगा हमें के का मान ही ज्ञात करना था तो क्या आ गया के का मान एक ठीक है सर इन्हें जोड़ा क्यों इसलिए जोड़ा बेटा क्योंकि देखो के ए माइनस दुआई निकालना था ना तो चाहे तो आप के ए में से दुआई को घटाओ या फिर के ए में माइनस दुआई जोड़ दो बात तो बराबर ही है मैंने आपको जब आवयु का अंतर कराया था तब मैंने आपको बताया था कि आवयु का अंतर भी एक प्रकार का ही है ठीक है क्लियर बेटा ऐसे आपको इस प्रश्न को हल करना था समझ में आ गया सारे बच्चों को बताइए सारे बच्चे बताइए सबको समझ में आ गया बेटा देखिए इस क्वेश्चन के बाद अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में पांच अंक में पूछा जाता है तो उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया नहीं आया यह क्वेश्चन बेटा दो अंक में पूछा जा सकता आपके एग्जाम में कभी कभार तो पांच अंक में भी आ जाता है ये वाला क्वेश्चन ठीक है क्लियर है चलिए अब चलते बेटा हम अगले प्रश्न पर अगला क्वेश्चन है बेटा यहां पर हमें एक आव्यू ए दे रखा है हमें दर्शाना है कि ए क्यूब माइनस तेईस ए माइनस चालीस आई बराबर होगा शून्य आव्यू के ठीक है ये बेटा हमें यहां पर दर्शाना है अब देखो बच्चों इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर जो कि बराबर होगा ए गुना आव्यूह बच्चों में दिया गया है एक दो तीन तीन माइनस दो एक चार दो एक इसका गुणा इसी के साथ करना है एक दो तीन तीन माइनस दो एक चार दो एक ठीक है बेटा चलिए अब गुणा करते हैं बच्चों तो गुणा करने पर देखिए बेटा क्या हो जाएगा पहली पंक्ति का गुणा बेटा पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो एक गुणा एक एक दो तीन छः तीन चौके बारह बारह और छः अठारह और एक उन्नीस हो जाएगा ठीक है बेटा इसके बाद पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे दो माइनस चार छह दो आठ आठ में से चार जाएंगे तो चार हो जाएगा फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तीन दो पांच और तीन आठ हो जाएगा ओके इसके बाद दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तीन माइनस छह तीन और चार सात सात में छह गए तो एक बचेगा दूसरे स्तंभ से करेंगे तीन दुनी छ और चार दस और दो बारह हो जाएगा तीसरे स्तंभ से करेंगे तीन तीय नौ नौ में से दो गया तो सात सात और एक आठ हो जाएगा ठीक है सेम ऐसे ही तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे चार तीन छः चार दस और चार चौदह हो जाएगा दूसरे स्तंभ से करेंगे चार दुनी आठ आठ में से चार गए तो चार चार दो छह हो जाएगा तीसरे स्तंभ से करेंगे चार तीन बारह बारह और दो चौदह और एक पंद्रह हो जाएगा तो यह आ गया बेटा ए स्क्वायर ठीक है अब ज्ञात करेंगे बेटा हम ए क्यूब बच्चों ए क्यों बराबर होगा ए स्क्वायर गुणा ए के या फिर आप ए गुणा ए स्क्वायर भी कर सकते चॉइस आपकी है वैसे तो आव्योग का पालन नहीं करता है बट यहां पर बेटा करता है ठीक है चलिए अब यहां पर पहले हम लिख देते हैं ए स्क्वायर जो कि हमारे पास आया उन्नीस चार आठ एक बारह आठ चौदह 6 पंद्रह ठीक है इसका गुणा करना बेटा मैं ए आवयू से मतलब एक दो तीन तीन माइनस दो एक चार दो एक के साथ ठीक है चलिए बेटा गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे उन्नीस से कम उन्नीस चार तीन बारह आठ चौके बत्तीस ठीक है तो ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से कैलकुलेशन ध्यान से करनी है तो उन्नीस प्लस चारतीय बारह प्लस आठ चौके बत्तीस नीस बीस इकतीस दस इकतीस इकतीस बासठ तिरसठ हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आ गया सिक्सटी थ्री फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो उन्नीस दुनी अड़तीस उन्नीस दुनी अड़तीस माइनस का आठ प्लस के सोलह तो तीस चालीस छियालीस हो जाएगा ठीक है यहां पर हो गया बेटा छियालीस फिर पहली पंक्ति गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे तो उन्नी सत्यामन प्लस चार प्लस आठ सत्यामन चार इकसठ और आठ उनहत्तर हो जाएगा ओके इसके बाद दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो एक बार ती छीस आठ चौके बत्तीस तो क्या एक प्लस छत्तीस प्लस बत्तीस तीन छः अड़सठ और एक उनहत्तर हो जाएगा फिर दूसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा एक गुणा दो दो माइनस के चौबीस प्लस के सोलह सोलह और दो अट्ठारह तो ये बेटा माइनस के छः हो जाएंगे फिर तीसरे स्तंभ से करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा बेटा एक गुणा तीन तीन प्लस बारह प्लस आठ बारह बीस और तीन तेईस हो जाएगा ठीक है इसके बाद तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो ये हमारे पास होगा चौदह कम चौदह प्लस छत्तीस अट्ठारह पंद्रह चौके साठ अठारह चौदह बत्तीस और साठ बिन में हो जाएगा तीसरी पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो चौदह दोनी अट्ठाईस माइनस के बारह प्लस के तीस तो ये बच गए सोलह तीस और सोलह छियालीस हो जाएगा ठीक है इसके बाद तीसरी पंक्ति पंक्तिकुण तीसरे स्तंभ से करेंगे तो चौदह ती बयालीस प्लस छ प्लस पंद्रह बयालीस छ अड़तालीस पर तिरपन दस तिरसठ हो जाएगा तो ये बच्चों हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा ये आ गया बेटा ए क्यूब ठीक है अब यहाँ पर देखो हमें क्या दर्शाना है ए क्यूब माइनस तेईस ए माइनस चालीस आई बराबर जीरो माइनस तेईस ए माइनस चालीस आई देखिए बेटा कितना होगा हमारे पास आ गया तिरसठ छियालीस उनहत्तर ठीक है उनहत्तर माइनस छ तेईस उनहत्तर माइनस छ तेईस छियालीस एंड तिरसठ ठीक है माइनस तेईस ए आवयू ए आवयू क्या बेटा एक दो तीन तीन माइनस दो एक चार दो एक ठीक है माइनस चालीस आई है एक जीरो 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 एक जीरो 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 एक ये हमारे पास हो जाएगा ठीक है अब यहां से इस आवयु को तो के त्यों उतारे लेता हूं छिया तिरसठ छियालीस उनहत्तर उनहत्तर माइनस छ तेईस बिनमे छियालीस तिरसठ ठीक है यहाँ पर बेटा माइनस तेईस का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस तेईस माइनस के छियालीस माइनस के उनहत्तर माइनस के उनहत्तर प्लस के छियालीस माइनस के तेईस माइनस के बिन्वे माइनस के छियालीस माइनस के तेईस माइनस चालीस के अंदर गुणा करते हैं तो माइनस चालीस जीरो 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 माइनस चालीस जीरो 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 माइनस ठीक है अब इन तीनों आवयों को बेटा हम आपस में जोड़ते हैं अब देखो बेटा जोड़ने पर क्या आएगा तो त्रेसठ माइनस के कितने हैं तिरसठ क्या बचेगा जीरो छियालीस माइनस छियालीस जीरो उनहत्तर माइनस उनहत्तर जीरो उनहत्तर माइनस उनहत्तर जीरो माइनस के छः माइनस के चालीस माइनस के छियालीस प्लस के छियालीस जीरो तेईस माइनस तेईस जीरो बिन में माइनस बिन में, में जीरो छियालीस माइनस छियालीस जीरो तेईस और चालीस तिरसठ तिरसठ जीरो हो जाएगा तो ये हमारे पास शून्य आवयू के बराबर आ गया ठीक है क्या आ गया बेटा हमारे पास ए क्यूब माइनस तेईस ए माइनस चालीस आई बराबर शून्य आवयू ठीक है और यही बेटा हमें यहाँ पर सिद्ध करना था तो हैंस प्रूफ ठीक है ये बेटा हमने सिद्ध कर दिया क्लियर बच्चों इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था उम्मीद है सारे बच्चों को यह समझ में आ गया होगा क्लियर बेटा? तो ये थे आव्यू के गुणन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके नाउ अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम बारे अगले टॉपिक को जिसका नाम है बेटा आवयु का परिवर्त। ठीक है अब देखो यहां पर हम समझते हैं कि कैसे हम किसी आवयु का परिवर्त ज्ञात करते हैं देखो बेटा परिवर्त का हिंदी में आप मतलब समझ सकते हो उल्टा मतलब किसी आवयु को उल्टा करना है अब उल्टा का मतलब क्या है सर उल्टे का मतलब क्या करना है तो बेटा उल्टे का मतलब है यहां पर आपको पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर आपस में बदलना है ठीक है क्वेश्चन ज्यादा है एंड बाद में सुनने ये हाँ बेटा देख लो आप लोग कितनी तगड़ी कोई कैलकुलेशन है एंड देन बाद में शून्य ही शून्य हो रहे हैं सब कुछ तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पांच अंक में पूछे जाते हैं ओके चलिए अब आवयु के गुण से थोड़ा बाहर आइए एक आसान टॉपिक पढ़ते हैं आवयु का परिवर्त क्या होता है अवयु का परिवर्त तो बेटा यदि हमारे पास कोई आवयु दे रखा है ठीक है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी आवयु है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में कोटी बेटा इसकी एम गुणा एन ठीक है अब यहां पर यदि हम इस आवयु के अवयवों को इस प्रकार बदलें कि पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों बदल दें जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास ए आवयु है एक दो जीरो तीन चार छ सात नौ ग्यारह यह हमारे पास बेटा एक आवयु ए है अब मैं इस आवयु ए को इस प्रकार बदलना चाहता हूं तो मैं इसकी तो पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में बदलना चाहता हूं तो पहली पंक्ति एक जीरो है, इसको मैं पहला स्तंभ बनाना चाहता हूं दूसरी पंक्ति तीन चार इसको दूसरा स्तंभ बनाना चाहता हूं तीसरी पंक्ति सात चाहता हूं तो ये जो मेरे पास नया आवयु आएगा ना बेटा ये आवयु ए का परिवर्त होगा क्या होगा बेटा ये आवयु ए का परिवर्त ठीक है तो बेसिकली आवयु ए बराबर ए आई जे जिसकी कोटी एमगुड़ा एन है का परिवर्त का परिवर्त एक ऐसा आवयु होता है एक ऐसा आवयु होता है जो ए की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर प्राप्त होता है ठीक है बेटा और इसे हम इसे हम इसे बेटा हम ए ट्रांसपोज या ए डैश से दर्शाते हैं ठीक बच्चो? है बच्चों इसको हम या तो ए के ऊपर टी लिख के ए ट्रांसपोज बोलते हैं इसको या ए डैश से दर्शाते हैं ये होता है बेटा आवयू ए का परिवर्तन ठीक है अब देखो बेटा ए ट्रांसपोज क्या होता है यदि हमारे पास बच्चों ए आवयु है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में ठीक है कोटी बेटा इसकी एम गुणा एन है तो इसका परिवर्त ए ट्रांसपोज होता है जिसमें अवयव हो जाएंगे बेटा ए जे आई के रूप में और इसकी कोटी बेटा एन गुणा एम हो जाएगी ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास मान लीजिए बच्चों ए आवयु है ये बेटा हमारे पास है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए टू फोर यह बेटा मेरे पास दो गुणा चार कोटि का एक है ठीक है अब इसका यदि हम परिवर्त लिखें तो देखो परिवर्त क्या होगा बेटा पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो पहली पंक्ति है इसको पहला स्तंभ बना दो दूसरी पंक्ति इसको दूसरा स्तंभ बना दो और इसकी कोटी हो जाएगी बेटा अब चार गुणा दो ठीक है तो यदि A की कोटी एम गुणा एन है तो ए के परिवर्त आव्य की कोटि बेटा एन गुणा एम हो जाएगी ठीक है सेम यहां पर यदि एआईजी के रूप में अवयव है यदि यहां पर बेटा ए आई जे के रूप में अवयव है तो यहां पर ए जे आई के रूप में अवयव हो जाएंगे पहला अवयव ए वन वन ही रह दूसरा अवयव यहां पर क्या होगा ए वन टू था यहां पर बेटा तो ए तो टू वन हो जाएगा क्लियर है चीज बेटा यूट्यूब पर डेली क्लास चलती है आपकी शाम को छह बजे शाम को छह बजे बेटा आपकी डेली यूट्यूब के ऊपर क्लास चलती है और मैं आपको डेली होमवर्क भी देता हूं बच्चों आज की क्लास का होमवर्क बेटा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया चैट सेक्शन में भी दिया गया है तो सारे बच्चे होमवर्क अवश्य करें बच्चों इसके अलावा मैं आप सबसे बेटा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग प्ले स्टोर पर जाकर के डाउटनट को बेटा रेटिंग अवश्य दें फाइव स्टार रेटिंग अवश्य दें बेटा प्ले स्टोर पर जाकर के ठीक है ओके तो ये होता है बेटा आव्यू का

ठीक है ये दिख रहा है आपको अब मैं इसको उल्टा करूंगा तो उल्टा ये हो गया अब मुझे फिर से इसको उल्टा करना है तो फिर से उल्टा करने पर यही आ जाएगा ठीक है तो सेम बेटा वही चीज ये है ओके कि ए आवयू का परिवर्त और फिर उसका परिवर्त बेटा ए के बराबर होता है ये बेटा पहला गुणधर्म ठीक है इसके बाद दूसरा गुणधर्म है के ए का परिवर्त बराबर होता है के गुणा ए के परिवर्त के जहां के बेटा कोई अचर है ओके okay. फिर तीसरा गुड़धर्मा ए यहां पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा प्लस माइनस बी का डैश तो ये बराबर होगा ए प्लस माइनस बी डैश के यानी ए माइनस बी का डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश के रेटिंग दी आपने ओके okay, बहुत अच्छी बात है एनसीईआरटी बुक के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में नहीं बेटा संडे को क्लास नहीं चलती है संडे को आप लोग का ऑफ रहता है जिसमें आप लोग मंडे टू सैटरडे जो भी पढ़ाई करते हो उसको रिवाइज करते हो क्वेश्चन लगाते हो उसके ठीक है एंड इसके बाद चौथा गुणधर्म है कि ए बी का परिवर्तन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है क्योंकि ये वाला गुणधर्म काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है ए बी का परिवर्तन बराबर था बी का परिवर्त गुणा ए के परिवर्तित के तो ये चार गुणधर्म है चारों गुणधर्म बेटा आपको याद होने चाहिए बहुत आसान आसान से ठीक है चलिए अब इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो यहां पर उदाहरण है हमारे पास बेटा कुछ आवयु दिए गए हमें उनमें से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करना है ठीक है बेटा हमें प्रत्येक आवयु का परिवर्त यहां पर निकालना है तो सबसे पहले हमें आवयु दे रखा है ए बराबर में पांच एक बटे दो माइनस एक अब देखिए इसका परिवर्त क्या होगा तो पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो भाई इसकी कोटि कितनी है तीन गुणा एक तो परिवर्त आवयुक्त कोटि हो जाएगी एक गुणा तीन वो होगी बेटा पाँच एक बटे दो माइनस एक ये हमारे पास ए का परिवर्त आवयुक्त आ जाएगा ठीक है सेम ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए बेटा यहाँ पर हमें बी आवयुक्त दे रखा है एक माइनस एक दो तीन। मुझे बेटा इसका परिवर्त ज्ञात करना है तो पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों बदल दो तो एक माइनस एक दो तीन ये हो जाएगा बेटा बी ट्रांसपोज इसके भी कोटि दोगुना दो, दो होगी क्लियर ऐसे हम आवयु का परिवर्तन निकालते हैं सेम ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है सी बराबर में माइनस एक पांच छ वर्गमूल तीन पाँच छ दो तीन माइनस एक इसका बेटा परिवर्तन निकालना है तो बस पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों बदल दो तो माइनस एक पांच वर्गमूल तीन पांच माइनस एक ये हो गया इसका परिवर्तन सिंपल ठीक है तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे हम आवयु का परिवर्त ज्ञात करते हैं बताइए बेटा मुझे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया कि कैसे हम आवयु का परिवर्त निकालते हैं सर मैंने अभी बुक नहीं ली रिवीजन कैसे करें रिवीजन ऐसे करना है बेटा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं डेली की डेली उसको रिवाइज करिए बुक नहीं ली तो क्या हुआ पढ़ा तो रहा हूं ना मैं आपको उसको रिवाइज करिए दो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं उनको पढ़िए ठीक है चलिए समझ में आ गया चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखो यहां पर ए डैस हमें दिया गया बी दिया गया हमें बेटा ए प्लस टू बी का डैस ज्ञात करना है तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे ए प्लस 2b का डैश यहाँ पर बेटा हम आव्यूक के परिवर्त के गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे तो मैंने आपको बताया कि a plus b का डैश बराबर होता है a dash plus b dash के तो हो जाएगा a dash plus 2b का डैश अब k a का डैश बराबर होता है k गुना a dash के तो हो जाएगा a dash plus 2b dash के बराबर ठीक है अब यहाँ पर बेटा a dash तो हमें दे रखा है मुझे से ये 2b dash से ही है तो b dash क्या हो जाएगा इसका परिवर्त तो ये माइनस एक जीरो एक दो हो जाएगा ठीक है अब यहां से बेटा ए प्लस टू बी का डैश बराबर होगा ए डैश हमारे पास है माइनस दो तीन एक दो प्लस दो गुणा बी डैश है बेटा माइनस एक एक जीरो दो सॉल्व करिए आगे तो ये हमारे पास होगा ए प्लस टू बी का डैश ये बेटा बराबर हो जाएगा माइनस दो तीन एक दो प्लस दो का अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस दो दो का गुणा बेटा प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे तो माइनस दो दो जीरो चार अब बस इन दोनों को जोड़ना है तो ये हो जाएगा माइनस चार तीन और दो पांच एक दो और चार छह तो ये आ जाएगा बेटा a प्लस टू बी का डेस ठीक है तो एक तरीका तो यह बेटा इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका तो बच्चों ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ठीक है सर बुक कौन सा लें बेटा अभी कोई बुक मत लीजिए क्योंकि अभी आपके बोर्ड ने कोई अपना सिलेबस नहीं घोषित किया इस साल का और इस साल बेटा एनसीआर ने भी अपनी किताबें चेंज कर दी हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का सिलेबस भी थोड़ा चेंज होगा जैसे कि पहले चैप्टर से फलनों का संयोजन फलन ये हटा दिया गया है एनसीआर किताब से तो हो सकता है कि आपके सिलेबस से भी हटा दिया जाए दूसरे चैप्टर से प्रतुलोम फलनों के जो गुणधर्म पढ़े थे आपने वो हटा दिए गए तो क्या पता आपकी सिलेबस से भी हट जाए तो इसलिए किताब अभी रहने दीजिए अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको बस पढ़ते जाइए ओके बाकी आप गूगल से बेटा एनसीआरटी की किताब तो डाउनलोड कर ही सकते हो और नहीं तो एनसीआरटी की किताब ले ही आवली से कोई दिक्कत नहीं है आगे काम आएगी आएगी ठीक यदि आपको किताब लेके आनी है तो मार्केट में जाइए मार्केट में दुकानदार भैया से बोलिए कि प्लीज आप हमें एनसीईआरटी की नई वाली किताब दे दो ठीक है बेटा चलिए तो देखो एक तरीका तो यह था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अब दूसरा तरीका बेटा यह है कि यहां पर हम पहले ए आव्यू ज्ञात करें अब ए कैसे निकालेंगे भाई ए डैश दे रखा है इसका एक बार और परिवर्तन कर दो ए आ जाएगा फिर ए को टू बी के साथ जोड़ो फिर उसके बाद उसका परिवर्तन निकालो तो एक तरीका बेटा यह भी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बट यह सबसे आसान था तो मैंने आपको इसी तरीके से करा दिया ठीक है चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं अगला प्रश्न है यहां पर बेटा आपको ए याव्यू दे रखा है सत्यापित करना आपको कि एडस गुणा ए बराबर होगा आई के ठीक है तो ए एस क्या हो जाएगा ए एस हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा के ठीक है अब देखो यहाँ पर एक गुणा एडस क्या बनेगा तो ये बेटा बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इसका गुणा हमें करना है बेटा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ देखिए क्या बनेगा यहां पर बनेगा बेटा पहली पंक्ति दुणा पहले स्तंभ से करोगे तो साइन स्क्वार अल्फा प्लस अल्फा बन जाएगा पहली पंक्ति गुण दूसरे स्तंभ से करोगे तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बनेगा तो जीरो स्क्वायर अल्फा एंड अब बच्चा बच्चा जानता है कि साइन अल्फा प्लस अल्फा एक होता है तो ये हो जाएगा ए एस बराबर में एक जीरो जीरो एक और ये हो गया बेटा आई बस यही सत्यापित करना था तो ये हमने सत्यापित कर दिया तो ऐसे बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था आपके पास एनसीआर की पीडीएफ है तो बहुत अच्छी बात है बेटा बहुत अच्छी बात है बच्चों चलिए अभी एक आखिरी क्वेश्चन है यहां पर बेटा आपको ए आव्यू दिया गया बी आव्यू दिया गया आपको सत्यापित करना है कि ए बी का परिवर्त बराबर होगा बी के परिवर्त ए के परिवर्त के तो ये वाला क्वेश्चन भी आप एज ए होमवर्क लिखिए खुद से बेटा आप इस प्रश्न को करिएगा ओके चलिए चलिए बच्चों अब आज की क्लास को हम पे स्टॉप करते हैं समय हो गया आपके आज की क्विज का तो सही बच्चे तैयार हो जाएंगे क्विज के लिए आपके सामने बेटा आ रहा है आज की क्विज का पहला प्रश्न जो कि बेटा ये है फटाक से बेटा इसका आंसर बताओ क्या होगा देखिए ऊपर जो समय चल रहा है ना उस पर ध्यान मत दीजिएगा वो समय तो मैंने ऐसे ही आपको फालतू दे रखा है ये क्वेश्चन बेटा हार्डली पंद्रह सेकेंड का है जिन बच्चों को गुणधर्म याद है वो तुरंत की तुरंत इसका आंसर देंगे बताइए ए बी का परिवर्त क्या होगा फटाक से आंसर बताओ बेटा चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं अगला प्रश्न ये है यहां पर बच्चों आपको एक्स आव्यू दिया गया आपको एक्स की घात चार का मान बताना है कितना होगा बताइए बेटा इसका मान क्या होगा इसके लिए आपके पास जो ऊपर समय चल रहा है वही है पर्याप्त समय ठीक है तो बताइए जल्दी से x की घात चार का मान क्या होगा पहले x दिया गया इससे एक्स स्क्वायर ज्ञात करो फिर एक्स स्क्वायर से एक्स की घात चार निकालना वैसे आप एक्स स्क्वायर निकालोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स घात चार का मान क्या होगा जल्दी से बेटा आंसर बताइए जल्दी से जल्दी आंसर बताइए बच्चों ज़्यादा समय नहीं है आपके पास काफी बच्चे आंसर बता रहे हैं वैसे बहुत अच्छी बात है जिन बच्चों ने आंसर नहीं बताया वो भी बताओ भाई जल्दी से आंसर बताओ यार इतने आसान आसान से क्वेश्चन है कैसे काम चलेगा बेटा चलिए अब इनके आंसर देखते हैं तो यहां पर देखो बेटा ए बी का ट्रांसपोज पूछा गया क्या होगा बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए के जिन बच्चों ने ध्यान से क्लास को अटेंड किया उन्होंने तुरंत टिक किया होगा ए ऑप्शन ठीक है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर बेटा पहले निकालेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या जीरो एक एक जीरो इसका गुणा होगा जीरो एक एक जीरो से तो क्या आएगा ये जीरो ये एक यहां पर ये जीरो 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 यहां पर ये जीरो यहां पर बेटा एक क्या आ गया आई अब एक्स की घात चार मतलब क्या होगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा आई के मतलब ये हो गया एक जीरो जीरो एक के तो यहां पर बेटा ये डी ऑप्शन है ठीक है ये डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है मान लीजिए हमारे पास कोई आवयू ए है जिसमें अवयव है ए आई जे के रूप में कोटी इसकी एम गुणा एन है ठीक है तो ए का जो परिवर्त होगा उसको बेटाम ए डैश या ए ट्रांसपोज से दर्शाते हैं और यह बच्चों बराबर हो जाएगा अभी वो को परस्पर आप पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों बदल दो तो जाएगा ए जे आई और इसकी कोटी एन गुणा एम हो जाएगी जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बेटा हमारे पास ए आव्यू है ए बी सी डी ई एफ ये हमारे पास दो गुणा तीन कोटि का एक आव्यू है ठीक है अब हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है तो इसका बेटा परिवर्त बराबर होगा बेटा पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो ए बी सी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो डी ई एफ ठीक है इसकी कोटी हो जाएगी तीन गुणा दो तो ये बेटा इसका परिवर्त होगा ऐसे बेटा हम आवयु का परिवर्त ज्ञात करते हैं ठीक है ओके हां बेटा जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको उतना पढ़ना है ठीक है नमस्ते बेटा नमस्ते नमस्ते बच्चों नमस्ते सर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे तो बेटा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो पर कमेंट करके आपको मेरा नंबर चाहिए क्या अच्छा कितने बच्चे हैं जो जिनको मेरा नंबर चाहिए बताओ मुझे कितने बच्चे हैं जिन्हें मेरा नंबर चाहिए एक बार हाथ खड़ा करो किस किस को मेरा नंबर चाहिए बताओ ट्रांसपोज की फुल होती है बेटा ट्रांसपोज ओके हर्षित को चाहिए केवल हर्षित को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए अभय यादव को भी चाहिए संजय के पास नंबर है अभिषेक कुमार को चाहिए नीतीश कुमार को चाहिए सबको नंबर चाहिए ठीक है तो बेटा नंबर आप उनको मिलेगा जो आज का होमवर्क करके लाएंगे जो आज के होमवर्क को करेंगे ना उन्हीं को नंबर मिलेगा ठीक है आज के होमवर्क का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में भी है चैट सेक्शन में भी है तो जो बच्चे आज का होमवर्क करेंगे उन्हें बेटा मेरा नंबर मिलेगा मंडे की क्लास में मंडे की क्लास में बेटा मेरा नंबर मिल जाएगा ओके okay. सभी बच्चे सुन लो मंडे की क्लास में मैं उन बच्चों को अपना नंबर दे दूंगा जो बच्चे होमवर्क करके आएंगे ठीक है हाँ बेटा मैं रुचि मैम को भी जानता हूं तो जिस बच्चे को मेरा नंबर चाहिए ना वो होमवर्क करके आएगा आज का बेटा जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को आपको करके आना है ठीक है बेटा उस होमवर्क को बच्चों आपको करके आना है

बेटा आवयु के परिवर्त के चार गुणधर्म थे ठीक है क्वेश्चन आपके पास भेज दो भेज दो बेटा रेखा भेज दो नहीं अबे आधा बेटा बिलाल सर अब नेट में नहीं है ठीक है चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन देखते हैं तो यह क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था दो आवयु आपके पास ए और बी आपको सत्यापित करना है कि ए बी का परिवर्त बराबर होगा बी का परिवर्त गुणा ए के परिवर्त के अब सभी बच्चों का फोकस केवल और केवल बोर्ड पर होना चाहिए ठीक है अब देखो बेटा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें सत्यापित करना है कि ए बी का बराबर होगा बी के परिवर्त गुणा ए के परिवर्त के तो यहां पर देखिए ए बी आव्यू पहले क्या होगा तो ए आव्यू है बेटा माइनस दो चार पांच ठीक है एंड बच्चों बी आवयु है एक तीन माइनस ओके बेटा ये ए आवयु है ये बच्चों बी आवयु है मुझे इन दोनों का गुणा करना है पहले देखो कि इनका गुणन संभव है या नहीं तो यहां पर कितने पंक्ति है तीन स्तंभ एक तो इसकी कोटी है बेटा तीन गुणा एक यहां पर एक पंक्ति तीन स्तंभ इसकी कोटी है बेटा एक गुणा तीन ठीक है अब यहां पर देखिए बच्चों इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो गुणान संभव है और गुणा होकर कितनी कोटि तीन तीन का आव्यू। ठीक है। अब बच्चों वो क्या होगा क्या होगा बेटा तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा माइनस दो का गुणा बेटा हम एक से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के दो ठीक है फिर पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ से होगा तो ये हो जाएगा माइनस के फिर माइनस दो का गुणा माइनस छ से होगा तो ये हो जाएगा बेटा बारह ठीक है फिर दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होगा ये हो जाएगा चार 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 छोबीस तो ये माइनस के चौबीस हो जाएंगे ठीक है फिर तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से हुआ तो ये हो योग पांच योग पांचिया पंद्रह एंड यहां हो जाएगा माइनस का तीस ये बेटा हमारे पास ए बी आवयू आ गया ठीक है अब ज्ञात करेंगे बेटा मिसका परिवर्त तो देखो ए बी का परिवर्त क्या होगा ए बी का परिवर्त देखिए बेटा क्या होगा तो पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो ये हो जाएगा माइनस दो माइनस छह यहां पर होगा बेटा चार बारह माइनस चौबीस यहां पर हो जाएगा पांच पंद्रह माइनस तीस ये बेटा हमारे पास ए बी का परिवर्त आ जाएगा क्लियर बच्चों यहां तक ये हमारे पास बच्चों ए बी का परिवर्त आ जाएगा ठीक है बेटा हाँ बेटा डेली आपकी लाइव क्लास होती है शाम के छह बजे सोमवार से शनिवार ठीक है अच्छा अब हमें किसके बराबर सत्यापित करना है ये बी डैश के तो अब यहां पर बेटा हम बी और ए को ज्ञात करेंगे अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों बी क्या होगा तो बी को ये पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो तो ये हो जाएगा एक तीन माइनस छ एंड बेटा ए क्या होगा एक ही पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो तो ये हो जाएगा माइनस दो चार, ठीक है अब यहां पर बेटा हम B डैस का गुणा एडस के साथ करेंगे तो देखिए B A क्या होगा ये बराबर हो जाएगा बी डैस है एक, तीन, इसका गुणा एडस के साथ किया यानी माइनस दो चार पांच के साथ देखिए बेटा क्या हो जाएगा तो एक का गुणा माइनस दो से किया तो माइनस के दो यहाँ चार यहाँ पांच यहाँ माइनस छ तीन सौ के बारह तीन पंजे पंद्रह यहाँ बारह माइनस के चौबीस माइनस के तीस हो जाएगा ये आ गया बेटा बी डैस एडस ठीक है बच्चों? ये हमारे पास बी डैस एड एस आ गया अब देखो बेटा ए बी का डैस क्या है ये बी डैस एड एस आ गया ये दोनों को ध्यान से देखो दोनों बराबर हैं तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए बी का डैस बराबर है बी डैस ईडेस के और यही बेटा हमें यहां पर सत्यापित करना था तो हैंस प्रूफ ठीक है बच्चों इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को हल करना था टेट बैग अच्छा हाँ बेटा ये न्यू क्लास है क्लास इलेवेंथ के सॉरी क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स की ये न्यू क्लास है ठीक है क्लियर बच्चों चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सम्मित तथा विषम सम्मित आव्यू के बारे में कि सम्मित आवयु क्या होता है और विषम सम्मित आव्यू क्या होता है तो यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए सम्मित आवयु सम्मित आवयु ठीक है सम्मित आवयु क्या होता है कोई आवयु ए कोई आवयु ए सम्मित आवयु होगा यदि यदि ए आवयु का परिवर्त बराबर हो ए आवयु के क्या बेटा यदि किसी आवयु का परिवर्त उसी आवयु के बराबर हो तो हमारा आवयु सम्मित आवयु कहलाता है यदि किसी आवयु का परिवर्त उसी आवयु के बराबर हो तो आवयु सम्मित आवयु होता है ठीक है अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा मजेदार चीज आपको बताने वाला हूं ध्यान से देखना ए आवयु का बेटा मान लो कोटी एम गुणा एन है ठीक है और ए ट्रांसपोज की कोटी कितनी होगी बताओ बच्चों मुझे यदि ए आवयु की बेटा कोटी एम गुणा एन है तो ए ट्रांसपोज की कोटी कितनी होगी बताइए बता बेटा ए ट्रांसपोज की कोटी कितनी होगी यदि ए की कोटी एम गुणा एन है तो एन गुणा एम होगी अब यहां पर मैंने बोला कि भाई ए ट्रांसपोज बराबर है ए के और हमने बेटा पढ़ा है कि दो आव्यूह समान तब होते हैं जब उनकी कोटी बराबर हो और संगत अवयव बराबर हो तो इसका मतलब इन दोनों की कोटी बराबर होनी चाहिए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं यहां से हम कह सकते हैं कि एम बराबर होगा एन के और एम बराबर एन किसमें होता है बेटा किसमें होता है बच्चों एम बराबर वर्ग आव्यू में किसमें होता है बेटा वर्ग आव्यू में ठीक है तो इसका मतलब ये जो आव्यू ए होगा ये वर्ग आव्यू होगा ठीक है तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे कोई वर्ग आव्यू ए ठीक है? दूसरे कर सकता हूं कोई वर्ग आव्यू ए सम्मित आवयु होगा यदि ए ट्रांसपोज बराबर हो ए के ठीक है यदि किसी वर्ग आवयु का परिवर्त उसी आवयु के बराबर हो तो वो सम्मित आवयु होगा यहां से आप एक चीज याद और याद रखिएगा कि सम्मित आवयु सदैव वर्ग आवयु भी होगा ठीक है ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा ओके बेटा क्लियर ये चीज जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बेटा मैंने ए आव्यू लिखा मैंने बच्चों ए आव्यू लिखा है ए बी सी बी डी ई सी ई एफ ये मान लो बेटा मैंने ए आव्यू लिखा है ठीक है अब बेटा हम इसका परिवर्त निकालते हैं तो देखो इसका परिवर्त क्या आएगा ए ट्रांसपोज पंक्तियों को बेटा स्तंभ में बदल दो तो पहली पंक्ति सी है इसको पहला स्तंभ इस बना दो दूसरी पंक्ति बी डी e है इसको दूसरा स्तंभ इस बना दो तीसरी पंक्ति ई एफ e, है इसको तीसरा स्तंभ इस बना दो बना दिया अब देखो सी ए बी डी ई बी डी ई एफ ई एफ तो यहां पर ए बराबर है ए ट्रांसपोज के तो बेटा यही हमारा सम्मित आवयु है ठीक है इसका मतलब ए सम्मित है, ये क्या हो जाएगा ठीक है बेटा ये हमारा सम्मित आवयु हो जाएगा ओके okay. अब देखो सम्मित आवयु को आप देखकर ही कैसे पहचानोगे यदि मैं ऐसा आवयु को आपको देऊ और आप देखकर ही कैसे पहचानोगे कि ये सम्मित आवयु है तो इसकी बच्चों में आपको तकनीक बताता हूं ठीक है तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ए आव्यू है अवयव यहां पर ए वन वन एन टू एन थ्री एन ए, 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 ए थ्री टू ए हमारे पास कोई आवयू ए है चलिए इसका परिवर्त लिखते हैं तो ए का परिवर्त बराबर हो जाएगा बेटा पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री हो जाएगा यह बेटा यहां पर बन जाएगा ठीक है ये ए आव है और ये इसका परिवर्तन है अब यहां पर मैं बोल रहा हूं आपसे कि ए बराबर है ए ट्रांसपोज के भाई सम्मित आवयू के लिए ए बराबर होना चाहिए ए ट्रांसपोज के ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ये बेटा बराबर होना चाहिए ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन ए वन टू ए टू टू ए थ्री टू ए वन थ्री ए टू थ्री ए थ्री थ्री के ठीक है इसके बेटा ये बराबर होना चाहिए अब दो अवय बराबर कब होते हैं जब उनके संगत अवयव बराबर होते हैं तो यहां पर संगत अवयव बराबर कर दो तो ए वन वन बराबर ए वन वन है ही ए वन टू बराबर होगा ए टू वन के ए वन थ्री बराबर होगा ए थ्री वन के ए टू वन बराबर ए वन टू हमने लिख दिया ए टू टू ए टू टू बराबर है ए थ्री वन ए वन थ्री के, के बराबर है ए टू थ्री के बराबर है ये बराबर है ठीक है तो यहां से बेटा हमारे पास ये तीन कंडीशन आ गई यदि ये तीनों बराबर है बेटा तो हमारा आव्यू सम्मित हो जाएगा ठीक है तो कुल मिलाकर के यहां पे देखो क्या पता लगा हमें बराबर होना चाहिए ए जे आई के ठीक है यदि यह कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है तो हमारा बेटा होगा ठीक है नहीं बेटा केवल मैथ की लाइव क्लास नहीं होती है अदर सब्जेक्ट की भी होती है फिजिक्स की भी होती है केमिस्ट्री की भी होती है, की होती है फिजिक्स की शाम को सात बजे होती है केमिस्ट्री की आठ बजे होती है बायोलॉजी की भी बेटा शाम को छह बजे होती है सबकी होती है ओके ठीक है बेटा तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई सम्मित आवयू की ओके बच्चों, ये देखकर आप डायरेक्ट बता पाओगे ठीक है तो आपको देखना क्या है आपको ये देखना है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए और ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए तुम्हारा आवयु सम्मित आवयु होगा केवल यह आपको चेक करना है बस ठीक है तो यहां पर देखो ये ये बराबर है ये ये बराबर है ये ये बराबर है सम्मित आवयु है ठीक है इसी प्रकार मान लो मैं कोई और एग्जाम्पल लिखता हूं जैसे मैंने लिखा ए बराबर में एक दो तीन दो चार पांच तीन पांच तो यहां पर देखिए बेटा क्या ये सम्मित आवयु है यहां पर देखो ये बराबर है ये बराबर है ये और ये बराबर है ये सम्मित आव्यू है बस ऐसे देख कर आप बता सकते हो कि आव्यू सम्मित है या नहीं क्लियर सभी को समझ में आ गया सम्मित आव्यू, समझ में आ गया बेटा सभी को अब चलिए अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं विषम सम्मित आव्यू के बारे में तो अब अगली हेडिंग लिखिए आप विषम सम्मित आवयु ठीक है अब यह भी बेटा एक प्रकार का वर्ग आव्यु होगा तो किसी वर्ग आवयु किसी वर्ग आवयु ए के लिए यदि ए का परिवर्त बराबर हो ए के ऋण आवयु के किसी वर्ग आवयु ए के लिए यदि ए का परिवर्त माइनस ए के बेटा बराबर हो ए का टर्म बराबर है माइनस ए के तो तो ए आवयू तो ए आवयू विषम विषम सम्मित, सम्मित आवयु होगा ठीक है तो हमारा आवयु बेटा विषम सम्मित आवयु हो जाएगा ओके बच्चों, अभी बेटा विपिन सर की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं और कामेश सर अभी नीट में बिजी हैं इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहे जैसे वहां से फ्री होंगे वो क्लास लेंगे ठीक है चार गुणा चार का होगा तो बेटा उसकी हम अलग से कंडीशन बनाएंगे बट ये कंडीशन सबके लिए सेम होगी कि यदि ए ट्रांसफिट बराबर ए है तो सम्मित आव्यू है यदि बराबर माइनस ए है तो वो विषम सम्मित आवयु होगा क्लियर बेटा तो ये होती है सम्मित और विषम सम्मित आवयु की कंडीशन ठीक है बच्चों क्लियर सभी को क्लियर बेटा हां नीट के बाद बेटा वो स्टार्ट कर देंगे जून में वो स्टार्ट कर देंगे ठीक है ठीक है भूमिका मैम इंग्लिश पढ़ा रही होंगी बेटा इंग्लिश की क्लास हो रही होगी भूमिका मैम की कल हुई थी ना विपिन सर की फिजिक्स की क्लास हाँ देख तो लो हां अभी सात बजे क्लास है ना विपिन सर की हाँ तो अभी उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है कभी क्लास वो ले रहे हैं कभी क्लास नहीं ले रहे हैं ना तो कल तबीयत ठीक होगी उनकी, तो उनकी तो उन्होंने क्लास ले ली होगी ओके okay. चलिए ठीक है बेटा यदि ए ट्रांसफर बराबर माइनस ए हो तो आवयू ए विषम सम्मेत आव्यू होगा अब चलो इसकी भी कंडीशन देखते हैं तो यहां पर मान लो अगेन हमारे पास ए आवयू है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ठीक है अब ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा ये हो जाएगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ये बेटा ए ट्रांसपोज हो जाएगा ठीक है एंड माइनस ए देखिए बच्चों माइनस ए क्या होगा तो ये बन जाएगा माइनस ए वन वन माइनस ए वन टू माइनस ए वन थ्री माइनस ए टू वन माइनस ए टू टू माइनस एट टू थ्री माइनस ए थ्री वन माइनस ए थ्री टू माइनस ए थ्री थ्री ये बेटा बन जाएगा ठीक है अब यहां पर बेटा ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के तो ए ट्रांसपोज क्या है ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन ए वन टू ए टू टू ए थ्री टू ए वन थ्री ए टू थ्री ए थ्री थ्री ठीक है ये बराबर होगा माइनस ए हमारे पास हो जाएगा आ व्यू माइनस ए वन वन माइनस ए वन टू माइनस ए वन थ्री माइनस ए टू वन माइनस ए टू टू माइनस ए टू थ्री माइनस ए थ्री वन माइनस ए थ्री टू माइनस ए थ्री थ्री ये बेटा बन जाएगा ठीक है अब देखो ये आवियो और ये आवियो बराबर है तो बराबर कब होंगे जब संगत अब बराबर होंगे तो यहां से देखो बेटा कंडीशन क्या बनेगी कंडीशन देखिए बेटा यहां से क्या बनेगी तो ए वन वन बराबर होना चाहिए माइनस ए वन वन के तो इसका मतलब टू ए वन वन बराबर जीरो हो जाएगा मतलब ए वन वन बराबर जीरो आ जाएगा ठीक है इसी प्रकार ए टू वन बराबर होगा माइनस ए वन टू के ए थ्री वन बराबर होगा माइनस ए वन थ्री के ए वन टू बराबर माइनस ए टू वन आ गया ए टू टू बराबर होगा माइनस ए टू टू के तो यहां से ए टू टू बराबर हो जाएगा जीरो के एंड ए थ्री टू बराबर होगा माइनस ए टू थ्री के ठीक है ए वन थ्री माइनस ए थ्री वन के बराबर आई गया ए टू थ्री माइनस ए थ्री टू के बराबर आई गया एंड इसके अलावा ए थ्री थ्री ये भी बेटा जीरो के बराबर हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई आव्यू ए इस प्रकार से हो कि ये जीरो हो जब आई बराबर है जे के जब आई बराबर जे है तब तो ये जीरो के बराबर होना चाहिए एंड इसके अलावा इसके अलावा बेटा ठीक है जब आई नॉट इक्वल टू जे है जब आई नॉट इक्वल टू जे आई और जे बराबर नहीं है तो ए आई जे बराबर होना चाहिए माइनस ए जे आई के ठीक है इसको मैं यहां पे लिख देता हूं बड़े से रूप में है ना यहां पे लिख देता हूं मैं तो ए आई जे बराबर होना चाहिए जीरो के जब आई बराबर है जे के एंड ए आई जे बराबर होना चाहिए माइनस ए जे आई के जब आई नॉट इक्वल टू है जे के तो ये बेटा कंडीशन हो जाएगी विषम सम्मित आवयु की ठीक है ये बच्चों विषम सम्मित आवयु की कंडीशन हो जाएगी ठीक है बेटा क्लियर चलिए अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो उदाहरण है हमें एक आवयु ए दे रखा है हमें सिद्ध करना है कि ये एक सम्मित आवयु है तो देखो बेटा इसको कैसे सिद्ध करेंगे वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा देखो इसको हम कैसे बेटा सिद्ध करेंगे तो यहां पर हमारे पास ए आवयु दिया गया है, हम उसका परिवर्तन करेंगे तो पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो एक माइनस एक पांच माइनस एक दो एक पांच एक तीन ठीक है अब देखो बेटा ये ए आवयु के बराबर ही है तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि चूंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए अत ए सम्मित आवयु है ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में एक या दो अंक में पूछे जाते हैं तो ऐसे आपको इन्हें सॉल्व करना है क्लियर क्लियर बेटा बताइए बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है यहां पर हमें सिद्ध करना है कि आवयु ए एक विषम समितव्यू है अब देख के कैसे बताओगे आप ये विषम समितव्यू है तो पहचान का तरीका यह कि मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव शून्य होंगे और इनमें माइनस का फर्क होगा इसमें इसमें एंड इसमें चिन्ह अलग अलग होंगे ठीक है देख लो चाहे तो एक विषम अब सिद्ध कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो तो इसके लिए बेटा हम इस आव्यू ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे तो जाएगा जीरो एक माइनस एक माइनस एक जीरो एक एक माइनस एक जीरो माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा जीरो एक माइनस एक माइनस एक जीरो एक एक माइनस एक जीरो और ये बेटा हमारे पास क्या आ चुका है अब ए आवयू तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के तो अतः ए एक विषम सम्मित आवयू है ए एक विषम सम्मित आवयु क्लियर बेटा क्लियर बच्चों इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बेटा सॉल्व करना था ठीक है चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं, अगला उदाहरण है यहां पर बेटा एक आवयु ए दे रखा है हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस एडस एक सममित है एंड ए माइनस एडस एक विषम सम्मित आवयु है अब देखो इसे कैसे सत्यापित करेंगे तो यहां पर बेटा ए आवयु दिया गया है पहले हम ज्ञात करते हैं ए डे देखिए बच्चों ए क्या होगा इसका परिवर्त तो पंक्तियों को स्तंभों इस्तम्म में स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो एक पांच छह सात बन जाएगा ठीक है अब पहले पार्ट पे आ जाओ ए प्लस ए ज्ञात करना है तो ए आव क्या बेटा एक पांच छ सात प्लस ए डैस है एक, एक पांच छ सात दोनों आवियों को बेटा जोड़ते हैं तो एक और एक दो पांच और छह ग्यारह छह पांच ग्यारह सात और सात चौदह हो जाएगा यह आ गया बेटा ए प्लस अब मान लो बेटा ये हमारे पास पी आव्यू है ठीक है हमें सिद्ध करना है कि जो पी आव्यू, ये एक सम्मित आव्यू है तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे अब इसका परिवर्त देखिए बेटा क्या होगा तो हो जाएगा दो ग्यारह ग्यारह चौदह जो कि पी के बराबर ही है तो यहां पर लिखेंगे अतः पी बराबर ए प्लस ए डैस एक सम्मित आव्यू है। कैसा सम्मित आव्यू बेटा सम्मित तो यही हमें यहां पर सिद्ध करना था सत्यापित करना था ओके अब आगे कहा गया कि ए माइनस ए डैस एक विषम सम्मित आव्यू है तो सेकंड पार्ट में बेटा अब हम ए माइनस ए डैस ज्ञात करेंगे अब ए आवयू क्या है बेटा ए आवयू है एक पांच छ सात ठीक है माइनस डैश क्या हो जाएगा एक पांच सात घटाइए बेटा एक में से एक गया जीरो पांच में छ गए माइनस एक छ में से पांच गया एक सात में सात गए तो जीरो आ गया अब मान लो बेटा ये हमारे पास Q ऑफ आवयू है अब मुझे क्या सत्यापित करना है कि Q एक विषम सम्मित आव्यू है, ठीक है तुम बेटा यहां पर इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो क्यू का परिवर्त बराबर हो जाएगा जीरो माइनस एक एक जीरो माइनस कॉमन निकाल लो तो जीरो माइनस एक, एक जीरो तो ये बराबर हो गया माइनस क्यू के ठीक है तो अतः क्यू एक विषम सम्मित आव्यू है विषम सम्मित आवयु है और क्यों किसको माना था ए माइनस एड को तो यही बेटा मैं यहां पर सत्यापित करना था सिद्ध करना था यह सिद्ध कर दिया कि ए माइनस एड एक विषम सम्मित आवयु है क्लियर इस तरीके से बेटा आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था ओके बच्चों समझ में आ गया बेटा सभी को बताइए बेटा मुझे सभी बच्चों को समझ में आ गया समझ में आ गया बेटा सभी को हाँ बेटा जो मर्जी है वो मान सकते हो जो मर्जी मानना चाहते हो वो मान सकते हो ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए माना ठीक है क्लियर चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सम्मित तथा विषम सम्मित आवयु के गुणधर्मों के बारे में तो यहां पर बेटा पहला गुणधर्म है कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आवयु ए के लिए ए प्लस ए डैस एक सम्मित अव्यु होता है एंड A माइनस ए डैस एक विषम सम्मित अव्यु होता है चलिए मैं आपको इसकी उत्पत्ति करके बताता हूं देखो ए प्लस ए डैस इसको मान लो बेटा कि ये P आव्यु है हमें ये सत्यापित करना है कि ये सम्मित आव्यु होता है तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे देखो क्या होगा वो, वो होगा ए प्लस ए डैस का डैस ठीक है अब बेटा मैंने आपको बताया कि a plus b का डैश बराबर था a' plus b' के तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं a' plus a' का डैश तो ये हो गया a' plus. a' का डैश बेटा a आव्यूह हो जाएगा और हम जानते हैं आव्यूह का योग क्रमविनिमिनम का पालन करता है तो हो जाएगा a plus a' दैट मींस कि ये आ गया p के बराबर तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया p ट्रांसपोज बराबर p तो अतः p सम्मित प्लस एडस बेटा होता है ठीक है सेम ऐसे ही यदि हम Q A A माने। तो इसका परिवर्त ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस ए डैस का डैस तो ये बराबर होगा ए डैस माइनस ए डैस का डैस तो ये बराबर हो गया ए डैस माइनस ए के इसको लिख देता हूं माइनस ऑफ ए माइनस ए डैस के बराबर ठीक है तो इसका मतलब Q का ट्रांसपोज बराबर आ गया माइनस Q के तो अतः Q विषम सम्मित आव्यूह है तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि a प्लस ए डैस आव्यूह सम्मित आव्यूह होगा जबकि a माइनस ए एक विषम सम्मित आव्यूह होगा ठीक है a प्लस ए बेटा सम्मित आव्यूह होगा जबकि माइनस ए एक विषम सम्मित आव्यूह होगा ओके बच्चों चलिए अब इसके बाद चलते हैं मीटम आगे अगले गुणधर्म पर अगला गुणधर्म है कि किसी वर्ग आवयु को हम एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित आवय के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं ठीक है किसी वर्ग आवयु को एक सम्मित तथा एक विषम सम्मित अवय के योगफल के रूप में व्यक्त किया सकता है से मान लीजिए हमारे पास कोई आवयू ए है तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं एक बटे दो ए प्लस ए बटे दो गुणा ए माइनस ए डैस के जहां पर बेटा ये जो आवयू है ये तो है सम्मित और ये बेटा विषम सम्मित है ठीक है ओके और ये बेटा गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है बिकॉज इस गुणधर्म से आपके बोर्ड एग्जाम्स में पांच अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो अभी मैं आपको बताता हूं ठीक है तो यहां पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है हमें बेटा एक आव्यू ए दे रखा है तो हमें एक बटे दो गुणा ए प्लस एड एस एंड एक बटे दो गुणा ए माइनस एडस ज्ञात करना है कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई ए आव्यू हमें दे रखा है क्या जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ठीक है इसका बेटा हम परिवर्त याद करेंगे तो इसका परिवर्त हो जाएगा जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो ठीक है अब देखो बेटा ए प्लस ए डैस क्या होगा दोनों को जोड़िए आप तो ये हमारे पास होगा जीरो 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 हो जाएगा जोड़ने पर दोनों को ठीक है तो यहां से एक बटे दो गुणा ए प्लस ए डैस बराबर हो जाएगा शून्य आवयू के शून्य आवयू के बेटा ये बराबर आ जाएगा ठीक है अच्छा इसके अलावा ए माइनस एडस निकालते हैं तो देखो ए माइनस एडस क्या होगा अब ये हो जाएगा a- माइनस एड एस ए में से a एस को घटाओ जीरो में से जीरो जीरो a में से माइनस ए जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए यहां पर हो जाएगा बेटा टू बी यहां पर माइनस के टू ए यहां जीरो यहां पर टू सी यहां पर माइनस के टू बी यहां माइनस के टू सी यहां जीरो हो जाएगा तो अब देखो दो प्रत्येक पद से बाहर निकल ही आएगा तो यहां पर एक बटे दो गुणा ए माइनस ए बराबर हो जाएगा जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो तो इस तरीके से आपको ये ज्ञात करने हैं ठीक है चलिए बन जाएगा ना हाँ इसके बाद देखो अभी आखिरी क्वेश्चन है यहां पर बेटा हमें आवयु दे रखा है इसे हमें सम्मित और विषम सम्मित आवयु के योग फल के रूप में लिखना है तो यहां पर बेटा हम लिख सकते हैं B बराबर में एक बटे दो गुणा बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस एक बटे दो गुणा बी माइनस में B ट्रांसपोज ठीक है तो यहां पर आपको करना क्या है आपको बेटा B प्लस बी, बी ट्रांसपोज निकालना है फिर एक बटे दो गुणा बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है जैसा जो पिछले क्वेश्चन में किया ना सेम वही करना है फिर बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है फिर एक बटे दो गुणा बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है इन दोनों को हमें सम्मित और विषम सम्मित सिद्ध करना है देन उसके बाद में हमें इन दोनों का योग करके उसको बी के बराबर लेके आ जाना है ठीक है तो ये क्वेश्चन बेटा आप खुद से कर लीजिएगा ओके okay, बेटा कर लेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन को भाई खुद से भी तो कुछ करना चाहिए ना चलिए अब आपके प्यारे दीपक सर आप लोगों से विदा लेते हैं जय हिंद दोस्तों जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बेटा बाय बाय टेक केयर एवरीवन गुड नाइट बच्चों बाय बेटा बाय बाय